सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ग्रीन एंड ऑरेंज टोन फोटो एडिट करने वाले हैं और मेरा भाई उसका प्रीसेट देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए मेरे भाई। ग्रीन एंड ऑरेंज टोन फोटो एडिट कैसे होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है आपको, और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हमें इसे स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, कोई भी अपना एक ओरिजिनल फ़ोटो ले लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना ये ओरिजिनल फ़ोटो ले लिया हूँ। अब इसको हमको क्या करना है, ग्रीन एंड ऑरेंज टोन में फ़ोटो को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फ़ोटो को लेकर सबसे पहला काम क्या कीजिएगा मेरे भाई, स्नैपशॉट एप्लीकेशन में ओपन कर दीजिएगा। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए नीचे के साइड टूल्स का ऑप्शन होगा, एंड टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेप्टी का ऑप्शन होगा। सेलेप्टी को ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स को ऊपर क्लिक करना है आपको, एंड टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक टून इमेज का ऑप्शन होगा। टून इमेज के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई एम्बेनियस को ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा एम्बेनियस को बढ़ाना है, एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा आपको। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई फिर से टूल्स को ऊपर क्लिक करना है, एंड टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद अब की बार क्या करना है, यहाँ डिटेल के ऊपर क्लिक करके आपको थोड़ा सा शार्पनेस को बढ़ा देना है। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना होगा। कहाँ पर, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में मेरे भाई यहाँ से इस फोटो को शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए मैं अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में कैसे शेयर कर रहा हूँ, और जो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरे भाई वैसे ही सेम टू सेम आप भी फॉलो कीजिएगा, तभी फ़ोटो आपका भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑल फोटो के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। ऑल फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम मेरे भाई क्या करना है आपको, तो इस वाले प्रीसेट का लिंक दे दूँगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सॉरी मेरे भाई, पहले एक फ़ोन आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। तो इस वाले प्रीसेट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे भाई वीडियो में बने रहिए आप लोग, ठीक है ना, कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरे भाई आप लोग जाकर फटाफट से डाउनलोड करने लगते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और कैसे बनता है क्या ट्यूटोरियल है आप लोग समझ नहीं पाते और बोलते हैं भाई वैसा एडिट नहीं हो पाया। तो पहले देखिए वीडियो को, फिर जाके डाउनलोड कीजिएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर के साइड देखिए थ्री डॉट का लाइन होगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से बहुत सारा टूल आपको खुल के आ जाएगा। तो अभी आपको कुछ ऑप्शन नहीं आता होगा, और यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन आता होगा। कॉपी के ऊपर क्लिक करके ऊपर सही के निशान के ऊपर क्लिक करके बैक आना है। उसके बाद क्या करना है, अपना कोई भी फ़ोटो ले लेना है ओरिजिनल फ़ोटो, उसके ऊपर क्लिक करके अब देख लीजिए यहाँ पर एक पेस्ट का ऑप्शन आ गया होगा। तो यहाँ पर मेरा भाई पेस्ट सेटिंग आपको कर देना है। पेस्ट सेटिंग जैसे ही करते हैं मेरे भाई कुछ इस तरीके से खुल के ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ कलर्स के ऊपर आना है। कलर्स के ऊपर आने के बाद मेरे भाई यहाँ मिक्स के ऊपर आना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से आपको ना अब थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना होगा, ठीक है ना। इधर उधर देख लीजिए थोड़ा बहुत आप छेड़छाड़ करके, तो यहाँ पर इसको इतना पे करके रख दीजिएगा मेरे भाई। डन, इतना काम होने के बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है। कहाँ पे, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स को ऊपर क्लिक करना है। टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टून इमेज का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करके एम्बेनियस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद फिर से टूल्स को ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर देखिए सेलेप्टी का ऑप्शन होगा। सेलेप्टी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको फेस के ऊपर ब्राइटनेस को बढ़ा के थोड़ा सा इसका सेचुरेशन को कम कर देना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, डन, इतना काम हो जाने के बाद फिर से टूल्स को ऊपर क्लिक करना है। टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वाइट बैलेंस का ऑप्शन होगा, तो आपको वाइट बैलेंस को इसको इधर के साइड खींच देना है। ओके, उसके बाद मेरे भाई क्या करना है देख लीजिए एक बार फिर से आपको ध्यान से दिखा देते हैं। टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको एक वाइट बैलेंस का ऑप्शन दिख जाएगा, ध्यान से देख लीजिए।
इसको ऊपर क्लिक करके अब आपको यहाँ इसको कम करना है, ठीक है ना। कम करने के बाद यहाँ से डन करना है। उसके बाद मेरे भाई ऊपर के साइड देखिए, शेयर के ऊपर एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना, शेयर के बगल में, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपको एक व्यू एडिट का ऑप्शन होगा। व्यू एडिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ सबसे ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ देखिए बीच वाले ब्रश को ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है आपको, यहाँ पर चलाना है सिर्फ दीवार के ऊपर, जहाँ जहाँ मैं चला रहा हूँ, मतलब आपका कोई पेड़ होगा और पेड़ का डाली होगा मतलब उसके ऊपर आप चला लीजिएगा, एंड पीछे दीवार होगा उसके ऊपर आप चला लीजिएगा। जैसे कि ये है, इसके ऊपर हम चला लिए, मतलब जहाँ खाली जगह होगा वहाँ पर आप चला लीजिएगा इसको, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं चला रहा हूँ यहाँ पर, मतलब जहाँ जहाँ आपका खाली लग रहा है ना वहाँ वहाँ आप चलाइएगा। और देखते रहिए, अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, तो बस आप लोग वॉच करते रहिए और देखते रहिए कितने अच्छे तरीके से हो रहा है अभी ये। यहाँ से क्या करेंगे, डन कर देंगे मेरे भाई। उसके बाद क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद मेरे भाई क्या करना है, डायरेक्ट इस फोटो को यहाँ से शेयर करना है। कहाँ पे, तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई फर्स्ट नंबर काम क्या करना है, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ एक स्विच का ऑप्शन होगा, स्विच के ऊपर क्लिक कर देना है। स्विच के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद साइज इसका इतना पे रहने देना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। और उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, अच्छे तरीके से यहाँ से इसको बड़ा कर लेना है, इससे हमारे बाल में एक अलग सा लुक आ जाएगा। तो डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे यहाँ से इसको डन कर देंगे। उसके बाद मेरे भाई क्या करना, अब आपको अब आती है मेन काम की, ग्रीन एंड ऑरेंज टून कैसे बनाए। तो सबसे पहले क्या करना है, वो काम करने के लिए इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ कलर रिफ्लेक्स के ऊपर क्लिक करना है। और सबसे पहला काम क्या करना है, इसको ग्रीन कर देना है, देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से डन करना है। और फिर से क्या करना है मेरे भाई, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से लेफ्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जो कलर किए थे ब्लू कलर पे, उस पर क्या करना है आपको, ऑरेंज टून ला के रख देना है इससे कि, ठीक है ना। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक आपको एक लाइट PNG को ऐड कर देना है। तो इससे बहुत ही भौकाल तरीके से आपका फ़ोटो दिखने लगेगा, जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई मैं ऐड कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ से मेरे भाई ये लाइट PNG है, इसको आप इसको डाउनलोड करके यहाँ नीचे ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके स्कैन कर देना, और ये हर किसी के पास रहता है। तो यहाँ से इसको इतना पे रख दीजिएगा, ओके। उसके बाद मेरे भाई यहाँ सही के निशान के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके आइएगा, और ड्रा वाले ऑप्शन पे आने के बाद मेरे भाई यहाँ से इस फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मेरे भाई ये सिर्फ बैकग्राउंड के रिलेटेड था मेरे भाई, फेस स्मूथ इसमें करना नहीं सिखाया गया। फेस स्मूथ अगर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल पे, ठीक है ना, जाकर आप लोग देख लीजिए मेरे भाई, वहाँ से आप इजीली सीख जाएंगे।